यूपी के जनपद गाजीपुर के गोविंदपुर में बिजली का पोल किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। बिजली विभाग यहां बेपरवाह है। यहां लगे पोल को देखकर लगता है कि यह अब गिर ही जाएगा। पोल के नीचे हिस्से में सीमेंट गायब हो चुका है जो कभी भी किसी हादसे को अंजाम दे सकता है। यहाँ हमारे पास कई बार शिकायत और फोटो आए हैं तो हमने अपने सहयोगी राजकुमार मौर्य को जायजा लेने भेजा। राजकुमार मौर्य से आज गोविंदपुर के दौरे पे हम आज एक ऐसी स्थिति आपको दिखाएंगे जो कि ग्राम सभा में मतलब ऐसी स्थिति, ऐसी भयावह स्थिति पूरे जिले में कहीं नहीं होगी, जहाँ पे गांव के लोग अपनी जान को हाथ हथेली पर लेकर के चलते हैं। प्रतिदिन आपको दिखा रहे हैं हम। ये बिजली का पोल है जिसमें पूरे ग्राम सभा की लाइट जलती है, पूरे ग्राम सभा की लाइट इसी पे जाती है। आप देखेंगे कि एक ये लोहे का पोल है और मात्र एक इंच पे ये पोल टिका हुआ है। मतलब किसी भी समय भारी घटना हो सकती है, भारी दुर्घटना हो सकती है। शासन और प्रशासन को इसकी इत्तला दी गई लेकिन कोई ग्राम सभा से प्रधान से लेकर के कोई इसकी देख रेख करने वाला नहीं है। ग्राम सभा की ऐसी दयनीय स्थिति बहुत विडम्बनीय है। ये आपको बता दें कि आपको यहाँ के स्थानीय हैं जिनका घर है उनसे बात कराते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है यहाँ पे ऐसे स्थिति में देखते हैं? कहाँ साहब, हमारा तो डर बचल ही बात, चौबीसों घंटा ना दुआई हवे तो चौबीसों घंटा पर लड़का से हम निकलो पैसा तो हम तो तरा देंगे भाई ना लगा कि कहिया दे। तो इसकी शिकायत क्या आप लोग जिला अधिकारी को की, ग्राम प्रधान को बताइए आप? हाँ, तो क्या कहे वो लोग, क्या कहे कि कब तक बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बताएं? अब तो भाई को अब उन्होंने लोग मचेंगे बाकी ये बोल कर तकलीफ बा, डर बा, ये बोला डर बा कि कब गिर जाये। बहुत बड़ी समस्या है, हम उनके डर बा कि कब गिर जाये। लड़का हूँ चार आवत हूँ जात हूँ हर हम निकल पैसल कब गिर जाये जान पाए कहा। आपको बता दे कि ग्राम सभा के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा गांव इतने दहशत में है कि कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। आइए जानना चाहते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो पोल है बारे में तो प्रधान बोलता है कि मैं गांव का मुखिया नहीं हूँ। तीन चार बार हम लोग कंप्लेन दिए हैं यहाँ पर आकर, इसके बाद नहीं कोई अधिकारी सुन रहा है, न बिजली विभाग वाला सुन रहा है, कोई यहाँ आता भी नहीं है। अगर कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदारी फिर नहीं लेंगे वो लोग? नहीं, वो कहें के लिए गाँव वाले। आप लोग लिखित तौर पर दिए? चार बार हम लोग दरखास्त दिए, इसका चार बार दे चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तक कुछ नहीं हुआ। आपको देखने में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार किस तरह से एकदम गली गली तक फैला हुआ है और कंडीशन बहुत ही खराब है गाँव सभा का। ये पता है क्यों जी के पानी है जितने लोग आप क्यों? हाँ तो जोर से यही तरह गेलू लोग पूजा करे जात हो लोगों तो फिर कैसे मतलब पूजा करते लोग पूजा करने का हो में तो आदमी धौर के जात बना के जाके मार गुहे गुबा हिम्मत नहीं के कट मुंह मुंह के भागत पाला ये दशा ही बाग में दशा ऊ बाग प्रधान निमन बना का प्रधान से कहल की नारी ऐसी बहुत ही हमन के पूजा पाठ में दिक्कत होती है ऐसा का करिए प्रधान पहले रहता तो चिकन को केना छोड़ देता कि हां कौन कौन रास्ता खराब है पूजा पाठ करे आदमी जे करे ये कुछ है हां ये तो रहता है तो का पूजा पाठ में हाथ गोड़ धोके कर लो कि यही तरह होला नहीं वही तो होता ना वही तरह होला हां और नरके मन वाला आदमी कहां जाए गांव प्रधान से कहा यार ग्राम सभा के प्रधान से प्रधान से कहा से प्रधान सुनते ना हो तो हम का कर जाए एक बार भी मतलब साफ करे ही ना कि सफाई कर्मी के हो ऐसा पूजा पाठ के समय में ऐसा दयनीय दशा गांव सभा का वास्तव में एकदम अशोभनीय है।